वेलकम बैक दोस्तों, ये है मेरा बड़ा सा कटिंग जो कि अब अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। देखिए यहाँ एक रूट्स भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा है, लगभग 4 mm का, तो ग्रोथ अच्छा हुआ है। और ये मेरे फ्रेम में भी नहीं आने वाले क्योंकि एक लेइंग है और एक स्टैंड में है, और मैंने दोनों को एक ही पॉट में रखे हैं अभी। और अभी गर्मी ज़्यादा है तो पत्ते सब पीले पड़ रहे हैं और कोई ग्रोथ नहीं है, तो मुझे आज उन सब का डिफोलिएशन करना है और ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा। तो ये इसी स्प्रिंग में मैंने शायद इसका वीडियो भी डाला था, मैंने उसका हार्वेस्टिंग करके लगाया है बहुत ही कम रूट्स के साथ, तो मैं डिफोलिएशन करूँगा। जो लेइंग पार्ट है उसको मैं एज अ राफ्ट स्टाइल बनाना चाहूँगा, लगभग 1.5 meter के करीब होगा लेंथ में, तो मैं डिफोलिएशन कर रहा हूँ जिससे कुछ नया ग्रोथ मिले। ये कुछ पपाया के प्लांट है जो कि इसके साथ ग्रो हुए हैं, तो उसके साथ में भी कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे। ये लोअर ब्रांच को मैंने नहीं छेड़ा है क्योंकि उसको मैं सेक्रीफाइस करूँगा जिससे वो जल्दी से ग्रो होके उसकी ज़्यादा थिकनेस बढ़ेगी, और समय समय पे मैं इस प्लांट में ट्रिमिंग करता रहा हूँ। बाद में उन दोनों प्लांट को मैं सेपरेट कर दूंगा, मगर अभी तो ऐसे ही ग्रो होंगे एक जब स्प्रिंग तक। बाद में शायद मैं उन दोनों का रिपोर्टिंग कर दूंगा अलग अलग पॉट्स में। तो कटिंग से ग्रो करना यानी कि जल्दी से जल्दी हमें एक मैच्योर लुकिंग वाला बोनसाई मिल सकता है अगर सही टेक्निक्स पता हो तो, कि कैसे हम वीक कटिंग को भी किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इस जब मैंने इस प्लांट का प्रोपोगेट किया था तो मैंने एक नई टेक्निक इस्तेमाल की थी जिसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि पूरे प्लांट को मैंने प्लास्टिक से ब्रब किया था पूरे स्टेम को, कैसे वो देख सकते हो आप मेरे लिंक में मैं दे दूंगा, शायद आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। तो अगर हम अभी ये पत्ते सब पीले पड़ रहे हैं तो इस वक्त जब हम डिफोलिएशन करते हैं तो एक तरह से प्लांट को हम टाइम स्किप देते हैं, यानी कि नया ग्रोथ होने में जल्दी से नया ग्रोथ मिलने लगता है हमें, क्योंकि ये धीरे धीरे जड़ेंगे, इससे पहले हम उसको काट देंगे तो ये जल्दी से न्यू ग्रोथ के लिए रेडी हो जाएंगे। तो प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो बाद में दिखाता हूँ मैं। स्ट्रेट प्लांट है, अच्छे मूवमेंट है, ब्रांचिंग भी हो रही है, तो उसका मैंने डिफोलिएशन कर दिया है। अगर इस तरह कटिंग लगाते हैं तो एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, वो हमें समय समय पे निकालते रहने होती है। जो भी हेल्दी ब्रांच होगी उसी को ही हमें ग्रो होने देना है, नहीं तो रिवर्स टेम्पर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ जो राफ्ट स्टाइल के लिए मैंने जो प्लांट को रखा है तो उस राफ स्टाइल की ये विशेषता है शायद कि हर एक ब्रांच एक इंडिविजुअल प्लांट का प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। तो राफ्ट स्टाइल में हर ब्रांच एक ट्री की तरह हमें शेप देना होता है, तो हर ब्रांच एक ट्री की तरह होती है और पूरा कंपोजिशन एक सम्प्रमाण में होना चाहिए मेरे ख्याल से, यानी कि उसका एक त्रिकोण अलग बनता है।
तो मैं आज इन सभी का डिफोलिएशन कर रहा हूँ। पहले भी मैं ट्रिमिंग कर चुका हूँ, तो देखते हैं ट्रिमिंग के बाद बहुत ही बड़ा प्लांट है तो उसका पॉट भी मुझे स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ेगा। कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी मैं डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और बने रहने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जो कि फ्री में है। तो समय समय पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो अगर आपको देखना है तो सिर्फ बेल आइकन को भी दबा सकते हो, नहीं तो केवल आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ सभी ब्रांच को हमें इंडिविजुअल प्लांट की तरह ट्रेन करना है। तो यहाँ तो ब्रांचिंग है, जब से मैं लाया था तब से ये ब्रांच है जो कि मैंने नहीं निकाली थी। तो यहाँ कुछ ब्रांचिंग भी है, यहाँ वायर बाइट मार्क्स की भी देख सकते हो जिसमें वाइगर ग्रोथ हुआ था। तो ब्रांच में टेपर भी प्रोग्रेसिव है, तो एज ए राफ्ट स्टाइल ये परफेक्ट है। वैसे तो मैं सीधा भी रख सकता था, मगर मुझे मेरे पास ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो कि मैं राफ्ट स्टाइल कर सकूं। तो एक ये बहुत ही बड़ा प्लांट है जिसको मैं एज ए राफ्ट स्टाइल दे रहा हूँ। तो ये सभी लिप भी मैच्योर थी तो मैंने सब निकाल दिया है। तो ये पूरा कंपोजिशन एक बहुत ही ह्यूज है, ये 1.5-2 meters का है। देखिए यहाँ पहले वायर बाइट भी हो चुका है जो मेरे फ्रेम में भी नहीं आने वाला। और ये सभी जो भी ब्रांच देख रहे हैं वो इंडिविजुअल ट्री की तरह मुझे ब्रांचिंग लानी है इन सब में, तो मैं अच्छे से फीडिंग करूँगा। और ये प्लांट तो अपने आप में बहुत ही अच्छा ट्रेन होगा बाद में, तो उसे अच्छा सा वेल ड्रेन सोइल दूंगा। और ये कुछ पपाया का पौधा है तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट होंगे, कुछ देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। And I defoliate this plant on 30 September, and now see the growth. It's a little less, but happy to see it's grow now. It's another laying branch. It's grow also well. So thank you for watching and subscribe our channel if like.